नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मीतास कुकिंग रेसिपी। आइए कुछ नया बनाते हैं, जिंदगी में खुशियाँ मनाते हैं। आज हम बनाएंगे ऑरेंज केक, जो मैं बिल्कुल फ्रेश ऑरेंज से लेके बनाऊंगी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये मैंने दो ऑरेंज लिए हैं, एक कप मैदा है, आधा कप मैंने पिसी हुई चीनी ली है, मैंने घर में ही चीनी को मिक्सी में पीस लिया था, 1/4 कप ऑयल लिया है और 1/2 कप हम दही लेंगे। ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा है। अब ये मैंने एक ऑरेंज लिया है और इसको मैं हल्का हल्का ऑरेंज का इस तरह से जस्ट निकाल लेंगे। इसका ध्यान रखेंगे कि स्किन नहीं कसे। ये देखिए, इस तरह से हम ऑरेंज को घुमाते जाएंगे और उसको हल्का सा ग्रेट करते जाएंगे। इसका हमारे केक में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, इस तरह से ये निकल रहा है। ये देखिए, इस तरह से मैंने थोड़ा सा ऑरेंज का जस निकाल लिया है, इस तरह से देखिए। ये अब ये देखिएगा आप, इसकी मैंने बिल्कुल स्किन को नहीं यूज़ किया है, ऊपर ही ऊपर से कर लिया है। अब इसको मैं दो पीस में काट लूँगी और इसके ये बीज हटा के इसको इस तरह से स्क्वीज कर लेंगे और इस तरह से इसके दूसरे पीस से भी इस तरह से इसका भी रस निकाल लेंगे। अब एक बोल लेंगे और इसमें जो हमने 1/2 कप शुगर ली थी वो डाल लेंगे और अब इसमें 1/2 कप ही दही डाल देंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो हमने ये 1/3 कप ऑयल लिया था वो भी डाल देंगे। आप चाहें तो ऑयल की जगह बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो सा आपके घर में पसंद हो। और जो हमने ऑरेंज जस्ट निकाला था वो भी इसी में मिक्स कर देंगे। अब मैं इस पे एक छलनी रख रही हूँ और इसमें हम अपना जो 1 कप हमने मैदा लिया था वो डाल लेंगे और साथ ही साथ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल लेंगे। अब सब चीज़ों को इसमें छान लेंगे। और अब इनको मिक्स कर लेंगे हम। और जो अब हमने इसमें ऑरेंज जूस निकाला था वो भी साथ में ऐड करते जाएंगे। ये देखिए, हमारे केक का बैटर तैयार है। अब हम ऑरेंज केक को अच्छा सा लुक देने के लिए मैं इसमें 1/2 टीस्पून ऑरेंज कलर डाल रही हूँ। अब ये मैंने 1 टीस्पून मैदा लिया है, इसमें मैं थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऐड करूँगी और इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे। ऐसा करने से जो हमारी टूटी फ्रूटी है वो केक में इवनली फैलेगी, नहीं तो अगर हम ऐसे ही डाल देंगे ना तो वो केक के बॉटम में बैठ जाती है। अब केक टिन लिया है मैंने, इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और अब हम इसमें एक बटर पेपर रख लेंगे और इसको भी अच्छे से ग्रीस कर देंगे। आप चाहें तो बटर पेपर नहीं हो तो आप इसको मैदे से अच्छे से डस्ट कर लीजिएगा। और अब हम केक के बैटर को इसमें ट्रांसफर कर देंगे। अब इसको हम हल्का सा टैप कर देंगे और ये मेरे पास थोड़ी सी चेरी है, इसको हम ऊपर से
लगा देंगे। अवन को मैंने प्रीहीट होने लगा दिया था 10 मिनट के लिए। अब मैं केक को बेक होने उसमें रख रही हूँ। और अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो आप कढ़ाई पे को भी पहले ही प्रीहीट कर लीजिएगा 10 मिनट, फिर बेक होने रखिएगा। अब मैं 200 डिग्री पे 30 मिनट के लिए केक को बेक होने रख रही हूँ। ये देखिए 30 मिनट हो गए हैं, हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। अब हमें टूथपिक डाल के इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए एकदम क्लीन टूथपिक आ रही है, इसका मतलब हमारा केक एकदम परफेक्टली बेक हो गया है। अब इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे हम, फिर हम इसे डिमोल्ड करेंगे। अब हम केक को निकाल लेते हैं और धीरे से इसका बटर पेपर हटा देंगे। कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बाहर आया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक हमारा तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है और आपको आगे भी मेरी इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपी देखना पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।